Hi, Capricorns. Good afternoon. Good to see you. Good to see you. Well, so what does Capricorns have in store? Now, Capricorn का मतलब है मकर राशि. मकर राशि के लिए ये रीडिंग तो है, लेकिन अभी अभी ये ग्रैंड होके चुका है और दूसरा 4 तारीख को होने वाला है. और जब ग्रैंड होता है तो जोड़ियों में होता है और 6 महीने के लिए उसका असर रहता है. दूसरा ग्रहण होगा अक्टूबर के महीने में. और ये वाला जो ग्रहण है, ये आपकी जिंदगी में क्या लेकर आया है और अपने साथ क्या लेकर गया है वो देख लेते हैं. तो अपने साथ लेकर क्या गया है ये ग्रहण आपकी जिंदगी में, एक फेज खत्म हुआ है राज करने का. और आपका कोई केस अगर चल रहा हो, चाहे वो डिवोर्स केस हो या कोई बिजनेस का केस हो या प्रॉपर्टी का केस हो, वो खत्म हो जाएगा और फैसला आपके हक में होगा. पैसे की कमी जो आपको महसूस हो रही हो किसी वजह से, जो कि है नहीं असल में, वो हिस्सा भी एक तरह से उसका अंत का समय आ गया. और अब क्या होगा, अब बहुत सारे बदलाव आएंगे आपकी जिंदगी. आपको तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको मुझसे रीडिंग लेने की जरूरत है. आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड और कंसल्टेशन करने की जरूरत है. हाँ, आप अपनी मेडिटेशन करके अपनी इंट्यूशन से भी काम ले सकते हो. नहीं, अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले लो. पैसे आएंगे, थोड़े स्लो है इनकमिंग ग्रोथ. अगर आप आगे पढ़ने की सोच रहे हो तो आपको आगे पढ़ने जरूर जाना चाहिए. पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान पढ़ सकता है. मैंने उल्टा शफल कर दिया, ए रब्बा की किता. चल छोड़ो, बाद में देखते हो. अब मई के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है? मई के महीने में आप अगर लोन लेने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए. लोन मतलब मेरे हिसाब से कभी भी किसी को भी नहीं लेना चाहिए. ये अपने आप को ना अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी और अपने हाथों में और पैरों में बेड़ियां डालने वाली बात होती है, तो ये नहीं करना चाहिए. लेकिन हो सकता है आप ऐसा करो. उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके आपकी किसी के साथ मुलाकात हो जिसके साथ आपका बहुत प्रेम हो जाए, हर तरह का प्रेम, और उसके बाद उनके साथ बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी होंगी. और फिर आप सोचोगे कि अब मैं क्या करूं, इसके साथ आगे बढ़ूं या चलता बनूं. ग्रहण के बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए. और इसीलिए इसमें लिखा था कि रीडिंग ले लेना, जल्दबाजी में भावनाओं में बह के कोई गलत फैसला मत कर बैठना. और एंजल कार्ड्स कहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो एंजल्स पे और ईश्वर पे भरोसा रखो और उनसे कहो आपकी मदद करें. अगर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगे, थोड़ा सा, तो आपको रास्ता भी नजर आ जाएगा. और अगर आपका भगवान पे भरोसा थोड़ा कम लग रहा है मेरे को, क्योंकि दो दो तीन तीन कार्ड यही कह रहे हैं कि भगवान पे भरोसा करो, नहीं करते हो क्या भगवान पे भरोसा? लग रहा है मेरे को ऐसा. तो भगवान पे भरोसा किए बिना तो जिंदगी नहीं चलती भैया. वो भगवान चाहे ऊपर बैठा हो या अंदर बैठा हो या कहीं भी बैठा हो, भगवान तो पहली बात तो आप खुद हो, आप खुद हो. तो भगवान पे भरोसा करने का मतलब है कि अपने ऊपर भरोसा करना. और अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो फिर भगवान ही मालिक आपका. ठीक है, तो ये तो था आपकी मई की रीडिंग. आई विल सी यू सून. ग्रहण का दुनिया पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में लाइव रीडिंग करने वाली हूँ यूट्यूब लाइव पे. अगर आप चाहें तो प्लीज डू ज्वाइन. बाय.